हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे पास एलजी का एक मोबाइल है जिसका मॉडल है एलजी G5। ये देखिए दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन इसमें डैमेज हो चुकी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे डिसेंबल किया जाता है और किस तरीके से इसको इसकी स्क्रीन को रिप्लेस किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको जो काम करना है दोस्तों, कभी भी जब आप इस तरीके के मोबाइल रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। इसके सबसे पहले इस सिम सॉकेट को आउट कर लें, इस तरीके से सिम सॉकेट को निकाल लेना। और दूसरा हमको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है इसकी जो बैटरी है उसको आउट करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका एक लॉक दिख रहा है आपको, ये लॉक देखिए दोस्तों, तो इस लॉक को आपको पुश करना है यहाँ से। लॉक को पुश करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको ये इस बैटरी को ऐसे निकाल देना है। ये बैटरी इस तरीके से निकलेगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रू दिख रहे होंगे, ये बॉल्ड को हमको ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस बॉल्ड को ओपन करने के बाद हमको ये जो हमारा कॉम्बो आउटिंग का जो होता है टूल्स, इसको लेने के बाद में देखिए दोस्तों, बहुत ही केयरफुली से हमको ये निकाल लेना। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आउट हो चुका है। अब ये हमारा मदरबोर्ड के साथ में देखिए। अब दोस्तों, सबसे पहले हमको इसकी जो डिस्प्ले का जैक है इसको आउट कर लेना। इसके बाद में एक कैमरे का एक जैक होता है, इसको भी हमको, इसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्क्रू होते हैं इनको खोल लेना है बराबर देख के। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमको इसको डिसेंबल कर लेना ही है। अब ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने इसको निकाल लिया। अब ये जो हमारा न्यू कॉम्बो है, टच प्लेट जो हमको इसमें डालनी है। लेकिन दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर से। हमको एक तो ये स्पीकर को निकाल लेना, क्योंकि स्पीकर इसके अंदर लगा हुआ रहता है ये दोस्तों। इसके अलावा हमको ये इसका सेंसर का निकाल लेना है जो इसमें लगा हुआ रहता है प्रॉपर तरीके से। और जो कैमरा, ये कैमरा निकालने के बाद हमको इसको एज इट इज़ से लगा हुआ होता है इस तरीके से, हमको यहाँ पे भी इसको लगाना है।
ये हमारा कैमरा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जो न्यू टच स्क्रीन है वो इसमें लगा दिया है इसके बोर्ड को प्रॉपर तरीके से। अब हमको एज इट इज़ जैसे था ऐसे हमको इसको फिट करना है। तो दोस्तों बड़ी ही सावधानी रखते हुए हमको सबसे पहले इसके आगे के पोर्शन को फिट करना होता है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको फिट कर दिया और यहाँ से जो स्क्रू हमने पहले खोले थे वही हमको वापस लगाने हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसकी बैटरी को एज इट इज़ जैसे हमने निकाली है जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में हमको वापस में डालनी है। देखिए ये एलजी का जो पोर्शन है वो आगे का है तो हमको आगे की तरफ डालना है इसको। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद में ये लॉक लग जाता है और ये हमारा मोबाइल इस तरीके से फिट हो जाता है। अब हम इसको एक बार ऑन करके देख लें। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी अगर आपके पास में कोई मोबाइल आता है तो इसको डिसेंबल करके बहुत ही आसान तरीके से इसको इसकी टच स्क्रीन को फिट कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।